हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक ब्यूटीफुल सा बनारसी क्लॉथ कुर्ती शेयर करने जा रही हूँ और इसके सारे डिटेल्स मैंने वीडियो पे दे रखी है। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है। सो, सारे डिटेल्स मैंने दे रखा है। ये बहुत बड़े सी कपड़े हैं, दो बोथ साइड 2.5 मीटर है और उसके लिए मैंने 2 मीटर अस्तर लिया हुआ है। कुर्ती कुछ इस तरह से दिखेंगी, जैसे दिख रहा है। ये बहुत ही सुंदर है, कलर भी बहुत प्यारी है और डिजाइनर नेक की वजह से और ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं। आप लास्ट पे देखोगे, मैंने पूरे डिटेल दे रखा है। अब वीडियो को एंजॉय करिए। यहाँ मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी, अगर शायद आपको पता हो, फिर भी मैं बता देती हूँ। सबका बॉडी का साइज़ अलग अलग होता है, तो बॉडी पे जो हमारा बॉडी है उसके अकॉर्डिंग ही आपको हमेशा ड्रेसेस कट करनी चाहिए। स्पेशली प्रॉब्लम हमेशा कुर्ती ब्लाउजेस में आर्म होल पे आती है। सो, आपको अपना शोल्डर और आर्म होल का मेजरमेंट अच्छे से लेनी चाहिए। बाकी का तो आप वेस्ट और बस्ट पॉइंट का तो बाद में मेजरमेंट और कपड़े भी ऐड कर सकते हो, लेकिन आर्म होल एंड शोल्डर पे आप मुश्किल हो जाती है बहुत। तो सबका बॉडी का साइज़ अलग होता है। मैंने यहाँ पे 6.5 लिया, तो आप भी 6.5 लोगे। अगर आपका बॉडी का साइज़ सेम मेरी तरह ही है तो आप ले सकते हो, लेकिन आप इतना मेहनत कर रहे हो तो डिटेल भी अच्छे से थोड़ा देख लीजिए, ताकि आप जो भी कर रहे हो उसका मेहनत का फल आपको पूरा मिले। सो, अपना शोल्डर और आर्म होल का आप अच्छे से मेजरमेंट लीजिए। 1-2 पॉइंट्स इधर उधर रहेंगे, एक या 2 इंच के बराबर में ही रहती है डिफरेंसेस। बहुत हैवी है तो चेंज होती है, अदरवाइज़ नहीं होती है उतना। बट फिर भी आप ले लो, क्योंकि आप कैसे हो, क्या हो, वो मुझे नहीं पता। अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट पे मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको पूरे के पूरे डिटेल में बता दूंगी। और कुछ जानना भी है तो भी आप मुझे पूछो, तो मैं उसके पर्टिकुलरली टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना देती हूँ। We'll be right back.
ये यहाँ पे मैंने नेक का डिज़ाइन बता दिया आपको, मतलब पूरी तो नहीं बताया, बट वो पहले उसको कुर्ती के साथ स्टिच करनी होगी, फिर फैब्रिक स्टिच होने के बाद ही वो कट होगी। सो मैं आपको बाकी की जो भी है वो मैं आपको स्टिचिंग के बताऊंगी। दोनों वीडियो एक साथ डालने से बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। कटिंग स्टिचिंग दोनों वीडियो देखने पे भी बोर हो जाते हैं, लॉन्ग हो जाती है वीडियो बहुत, इसलिए मैं वीडियो स्टिचिंग वीडियो अलग से डालूंगी, अपलोड करूँगी। Thank you so much for watching my video. Thank you so much.